हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी सुबह सुबह का टाइम है, मैं अपने मायके में हूँ अभी, तो आराम से आराम फरमा रही हूँ क्योंकि अभी और कहीं होते रहते हैं, सुबह के सारे काम करने होते हैं, तो मैं यहाँ पे रेस्ट कर रही थी। मेरी बहन है मामा की लड़की, तो ये स्कूल जा रही है, इसकी स्कूल की यूनिफॉर्म देखो। मैंने कहा ये क्या पहने, स्कूल यूनिफॉर्म में? कह रही हाँ और क्या। तो देखो आप लोग भी, हम दोनों की कन्वर्सेशन कैसी हो। उनकी ड्रेस देखो, जूते देखो नीले। तुम्हारे तो यार नीले फिर भी ठीक है, मुझे लगता है ड्रेस जिसके रेड येलो होंगे ना, वो तो माय गॉश ना। उसके बाद फिर मेरी बहन ने, दूसरी बहन ने जो भी आज स्कूल नहीं जा रही है, तो उसने सब्जी बनाया था तो मुझे टेस्ट करने के लिए दिया। दीदी देखो टेस्ट करके कैसी लग रही है, तो भाई मैं टेस्ट करने के लिए रखी हुई हूँ क्योंकि अभी गर्म है तो मैंने खाया नहीं है। एंड उसके बाद थोड़ी देर बाद फिर खाना वाना सब लोग हो गया था, तो मामा मेरे ऑफिस जा रहे हैं, आज बाइक से जा रहे हैं, तो बाबू जो है मेरी बेबी, वो बाय बाय करी मामा से, बाय बाय, और सैड हो गई कि मुझे नहीं ले गए हैं। तो हम लोग कह रहे बेटू हाँ हम लोग जाएंगे जाएंगे, तो थोड़ा सा उसका मूड ठीक हो गया। बट वो फिर कह रही मुझे कार में बैठना है, तो फिर उसको कार में बिठाया गया, और फिर वो हम लोग कोई बैठे नहीं थे ना कार में, तो कह रही मुझे उतरना है, मतलब सब कुछ बताती रहती बार बार। फिर यहाँ पे नानी मेरी है, नानी से मैं बात करी, मौसी हैं और मेरे हस्बैंड है, बेबी है, सब लोग यहाँ पे बैठ के बातें कर रहे। एंड फिर थोड़ी देर बाद सबका बात बात हो गया था, एंड उसके बाद बेबी थे पॉटी करी साइड में कर्टेन में हाइड होके, क्योंकि उसकी हैबिट है वो ऐसे हाइड होके करती कि इसको कोई देखे ना। फिर यहाँ पे मेरे हस्बैंड और भाई खाना खा रहे, मैं भी खाना खाने जा रही, तो इसमें दाल है, साग है, सब्जी है, और कुछ छोटा सा सब्जी और था, चावल रोटी है। मौसी यहाँ पे कपड़े प्रेस करी मेरे मौसा के, क्योंकि उनको भी ऑफिस जाना है अभी। फिर हम लोग सब लोग रेडी हो गए, मेरी बहन भी देखो ये रेडी हो गई है, मैं भी रेडी हुई। मैंने ना अपनी बहन के कपड़े पहन लिए, मैंने कहा यार कौन अपने कपड़े गंदे करे, क्योंकि आज ही मुझे शाम को दिल्ली के लिए निकलना है, तो दिन में मार्केटिंग करूँगी एंड जल्दी से वापस आके फिर रेडी होके जाना है। तो बस हम लोग रेडी हो गए थे, तो बेबी सो रही थी, तो मेरे हस्बैंड ने कहा चलो अच्छा थोड़ा सा बेबी को और सो लेने देते, तो वो भी लेट गए थे साथ में, तो नानी भी लेटी साइड में। एंड बस हम लोग घर से बाहर आ गए, जल्दी से चलते हैं क्योंकि देखो धूप भी हो रही है, अच्छा मौसम है, और जल्दी से वापस होके आ जाएंगे। तो मेरा भाई यहाँ पे कार पास में लेके आ रहा है, फिर हम लोग सब लोग बैठ जाएंगे। नानी बाहर तक छोड़ने आई है, मैंने कहा अरे नानी मार्केटी तो जा रहे हैं, छोड़ने क्यों आई हो? कह रही तो क्या करे घर में बैठे बैठे, तो वही बाहर तक छोड़ने। ये मेरी मौसी खड़ी हुई है, छोटी मौसी है मेरी ये, तो मेरी बहन से मैंने बोला यार स्टॉल एक दे दो, तो वो स्टॉल मुझे दे रही, बेबी सो रही, तो हम लोगों ने इसको सोते सोते बस इसके शूज़ चेंज कर दिए थे, एंड इसके कपड़े नहीं चेंज किए क्योंकि उसको कपड़े अगर चेंज करूँ तो वो उठ जाएगी, फिर वो रोने लगेगी। एंड देखो मेरे भाई कहाँ से हम लोगों को जंगल से होते हुए मार्केट ले जा रहे हैं, क्योंकि जो मेन रोड है ना, एक्चुअली मेरा घर जो है हरदोई मेन रोड पर मतलब साइड में पड़ता है ना, तो बहुत रश रहता है, तो इसलिए पीछे से कहीं जंगल के रास्ते से ले जा रहे, कह रहे यहाँ कोई जाम वाम नहीं मिलेगा, आराम से पहुँच जाएंगे हम लोग। तो देखो कैसा हरा भरा सा इलाका है, कहाँ से ले जा रहा है पता नहीं, क्योंकि ये रोड ना पहले बिल्कुल नहीं चलती थी, अभी ये 2-3 साल से थोड़ा चलने लगी है। तो यहाँ पे एक ये मंदिर पड़ता है, मंदिर के जस्ट सामने पहले कुछ साल पहले शमशान घाट हुआ करता था, तो अब वो पता नहीं है कि नहीं, मुझे पता नहीं है। तो यहाँ पे मंदिर पहले छोटा सा था बट अभी ये बन गया। बेबी देखो पूरा टाइम सो रही है, तो मैंने इसको गोदी ले ली, बाद में मैंने देखा है बेबी तो मेरी जग गई है, क्योंकि जैसे हम लोग बातें बातें करते तो आवाज़ आती रहती है। फिर ये यहाँ पे जो सारे पेड़ दिख रहे हैं, सारे के सारे पेड़ आम के हैं, बहुत डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज़ के हैं, तो बस अभी तो आम का वैसे टाइम है नहीं, तो कुछ इसमें आया नहीं है, बस ऐसे हम लोग जा रहे हैं जा रहे हैं जा रहे हैं, बातें करते 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 फिर देखो मार्केट पहुंच ही आ गए हैं। तो हम लोग यहाँ पे मार्केट आ गए हैं, और यहाँ पे मुझे ना कुछ अपने लिए सूट देखना था, क्योंकि मेरी बहन गई थी, यहाँ पे अच्छे अच्छे सूट मिल जाते रीजनेबल प्राइस पे, 100 वीक के वो है। तो बस बेबी अपने पापा के साथ, मैं यहाँ पीछे पीछे जा रही हूँ। एंड जब मैं शादी नहीं हुई तो मैं पहले आती थी ना यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए, फिर मेरे हस्बैंड ने कहा चलो मैं पैंट वेंट देख लेता हूँ अपने लिए, तो मेरे हस्बैंड ने यहाँ से 3 पैंट परचेज किया था, क्योंकि बहुत अच्छी क्वालिटी की थी एंड प्राइस वाज आल्सो सो सो मच गुड। तो बेबी को हम लोगों ने यहाँ पे काउंटर पे बिठा दिया और वो भाग रही यार, इतना परेशान कर रही थी। फिर मैं यहाँ से घर से हमारे के लिए कोई टॉयज नहीं लेके गई थी, फिर मैंने रास्ते में कुछ सस्ते से टॉयज खरीद लिए, और फिर वो भूल भी गए थे पता नहीं हम लोगों ने कहाँ पे, वो डक परचेज करके रख दिया किसी शॉप पे। फिर उसके बाद मैंने कहा यार चलो स्लीपर ले लेते, तो यहाँ पे मैं स्लीपर की शॉप पे आई हूँ। फिर मैंने बस मन में सोचा बस ऐसे ही कि चलो नानी के लिए स्लीपर ले लेते हैं, दो टाइप के, आने जाने वाले घर वाले, ठीक है, एंड मैंने परचेज कर लिया, ठीक है। और उसके थोड़ी देर बाद नानी का फ़ोन ही आ गया कि मेरे
लेना, एक चप्पल ले लेना, मेरा टूट गया है। मैंने कहा ये क्या है, मतलब पहले ही से मैंने ऑलरेडी परचेज करके उनके लिए रख लिया था कि वो उनके लिए मैं सरप्राइज दूंगी, और सच में वो फ़ोन करके कह रही, मैंने कहा ये होता है दिल मिलना कि वो जो कहना चाह रही थी मैंने पहले ही ऑलरेडी कर दिया। फिर मैंने कहा हमने पहले ही खरीद लिया था आपके लिए, कह रही अच्छा ठीक है। तो फिर बेबी के लिए यहाँ पे दूसरी एक शॉप पे हम लोग आए, यहाँ पे 3 बेबी के लिए चश्मा खरीदे थे, एक ये ट्रांसपेरेंट वाइट कलर में, एक ये येलोइश टाइप का है, एक प्योर पूरा ब्लैक गॉगल्स टाइप का था। तो बेबी के लिए मैंने परचेज किया है, मेरे हस्बैंड इसमें लड़ रही है यार क्यों ले रहे हो उसके लिए चश्मा, तुरंत वो लगाएगी तुरंत तोड़ देगी, कोई सस्ता भी नहीं 80-180 रुपए का था ना। तो मैंने कहा यार तोड़ देगी मत लो, कर तुम चुप रहो, तुमको तो बस खाली पैसे कंजूस कहीं की, मुझसे लड़ने लगते हैं वो। फिर मैंने कहा जाओ ले लो तोड़ देगी, फिर मुझसे मत कहना। फिर हमारा तो भाई पूरा अपने पापा के पास ही रहती है, देखो दूध भी पी रही पापा के पास बैठ के। फिर यहाँ पे हम लोगों ने कार पार्क किया साइड में, फिर मेरे भाई ने बोला चलो यहाँ पे कबाब पराठे खिला देते, तो बस यहाँ पे कबाब पराठे की पैकिंग हो रही सबके लिए, जो घर में लोग हैं उनके लिए, बाकी हम सब लोगों के लिए। हम लोगों की सारी शॉपिंग अब हो गई, बस घर के लिए हम निकल रहे हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा ट्रैफिक मिल गया था, तो बस साइड में हम लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं, और देखो धीरे धीरे कार चल रही है, और हम लोग घर अभी थोड़ी देर बाद पहुँच जाएंगे। फिर दिल्ली के लिए निकलना है शाम को, तो आज का दिन बहुत हेक्टिक होने वाला है हम लोगों के लिए। तो ये रहा मेरे छोटे से ब्लॉग, आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नहीं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय और फ्यू।